बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से? वेलकम टू माय चैनल रुबीना जनतिन। जी जनाब, तो आप लोग मुझे मिस कर रहे होंगे, मैं भी बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। और अब देख सकते हैं, मैंने लिखा है ईद हॉलीडेज लॉन्ग ड्राइव, तो ईद की छुट्टियाँ थी 4 दिन, और 4 दिनों में बस आपको पता, पहले दिन कुर्बानी होती है, फिर दूसरे दिन बाहर निकलते हैं बंदा कि बारबेक्यू करते हैं। तो ईद का तीसरा दिन था, तो मैं, मेरी फ्रेंड्स, हम सब मिलके गए कि चलो चलते हैं हाथा डैम। और जब हम हाथा डैम पहुँचे वहाँ पे, तो इतना ट्रैफिक, हम तकरीबन 3:30 के करीब पहुँचे। अब मजबूरी में हम वहाँ पर रश में फंसे 1 से 1.5 घंटा। हमने सोचा चलो भाई खाना खाते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं कुर्फ़ खान। फिर हम पहुँच गए कुर्फ़ खान। अब कुर्फ़ खान बहुत ही खूबसूरत जगह है, शारजा में ही आता है, और यहाँ पे फाउंटेन्स बने हुए बहुत सारे, एक राउंड अबाउट है, उसके साथ चारों तरफ उसके फाउंटेन्स हैं, आप उस क्लिप में देख सकते हैं। हमने सोचा कि चलें ठीक है, फाउंटेन्स देख लिए, अब हम जाते हैं कुर्फ़ खान वाटरफॉल देखने। तो आज चलें आपको दिखाते हैं वाटरफॉल कैसा है वहाँ पर, इतना खूबसूरत है, आप देखिए। जो कुर्फ़ खान जाए ये ज़रूर देखें, ये एग्जैक्टली कुर्फ़ खान बीच के ऑपोजिट है। ईद की वजह से वहाँ पे पार्किंग नहीं अवेलेबल थी, रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे मजबूरन वीडियो जो है गाड़ी में बैठ के बनानी पड़ी। रश बहुत ज़्यादा था इसलिए फिर हम निकल पड़े अजमान की तरफ, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। और अब मैं आपको लेके जाऊँगी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, जो नईमिया टावर के साथ है। इस रेस्टोरेंट का नाम है अल यास्मीन अल शामी। इनकी ब्रांच अजमान में भी है और शारजा जमाल अब्दुल नासिर में भी है। इनका खाना बहुत मज़ेदार है और इसके साथ बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। आप मेन्यू देख सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं या किसी दावत में जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑर्डर करें, 3 kg मिक्स ग्रिल आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 131 dirhams में, दैट्स इट। और वैरायटी बहुत ज़्यादा है उनकी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, और हमने इसको खाने को बहुत इन्जॉय किया। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल है, फुली सैनिटाइज था और हर टेबल पे सैनिटाइज़र रखा हुआ भी था। मज़ेदार साफ फतूश है, हुमस है, गार्लिक सॉस है, अरबिक ब्रेड रखी हुई है यहाँ पर, और उसके साथ ये अभी हमारे पास आने लगा है मिक्स ग्रिल। इस रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ, और अपनी दोस्त रुबीना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।